बड़े इसमें विवाद रहे शुरू होते हैं टाइम आउट कंट्रोवर्सी से। पहली बार क्रिकेट इतिहास में जो है एक प्लेयर को टाइम आउट के जरिए वो डिसमिसल आपको देखने को मिला। एंजेलो मैथ्यूज वॉज टाइम आउट इन दिस गेम और उसके बाद थोड़ा सा तड़का लगता रहा। मैथ्यूज ने जब शाकिब को आउट किया तो उन्होंने बड़े स्टाइल से सेलिब्रेशन भी करी, ऐसे घड़ी देखते हैं लेट हो गए और ये सब खिलाड़ी भी कभी कभार डिस्कशन में तो प्लेयर आ रहा था दूसरा या शाकिब आते कह रहे जाओ यहाँ से और ये बहुत कुछ चला। लेकिन एट द एंड हुआ ये कि जो उनकी पार्टनरशिप एक लगी थी मेरे ख्याल से तीसरे विकेट के लिए शांतो और शाकिब की, जहां पर शायद 210 पे गिराई थी जो श्रीलंका को कैचेस उन्होंने छोड़े उसका खामियाजा भुगतना पड़ा और इस वजह से ये मैच भी जो है हार गए थे। शायद बड़े आहत थे यार, लेट लेट कर थोड़ा सा जो है एक तरीके से गम मिटाने की कोशिश कर रहे थे वो। लेकिन विकेट लेना है तो विकेट लोगे नहीं उसके बाद ये आखिरी में एक्टिंग क्यों कर, वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर नहीं चल रहा ना धीरेज भाई, क्वालिफायर चल रहा था तो शिक्षा की विकेट होती है यहाँ पर। लेकिन जाते जाते मुझे ये दिखा कि खिलाड़ियों ने हैंडशेक वगैरह नहीं किया इनसे जो दो ऑनफील्ड प्लेयर्स थे या फिर उसके बाद भी आखिरी में शायद एंड में नहीं वो आए थे क्योंकि दिलशान वो तो ऐसा हो गया कि रास्ते में पड़ गए दिलशान मधुशंकर निकल गए तो रास्ते में सामने मिले तो ऐसे हो गया देखो हाथ में ये हो गया ऐसा सामने सामने। बाकी उनमें से मुझे लगता है दिल से तो नहीं होगा कि जरूर एक दूसरे के साथ दिखा तो बड़ा दिलचस्प रहेगा। कुशल मेंडिस जिनका कल बयान बड़ा वायरल हुआ है कि भाई विराट ने 49 किए तो मेरे को कांग्रेचुलेशंस की क्या बात करवा रहे हो, अब मैं क्या करूं उसमें, मैं अपने मैच की प्री मैच कॉन्फ्रेंस में आ रखा हूं तो मुझसे कुछ उससे जुड़ा सवाल पूछे। आज वो पोस्ट मैच क्या कुछ इस पूरे मुद्दे पर शाकिब ने तो फैसला किया था वो डिफेंडिंग करेंगे अपने आप को, लेकिन वो बड़ा दिलचस्प होता है। और इस सबसे दिलचस्प हुई है टॉप चार की रेस नहीं बॉटम टू की रेस, क्योंकि अब बांग्लादेश को दो जीत मिल गई है, नीदरलैंड्स के पास भी वो दो जीते हैं और एक जीत है सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड के पास। पहली बार क्रिकेट हिस्ट्री में जो 146 सालों का इतिहास है वहां पर एक बल्लेबाज टाइम आउट हुआ है, जो हम गली मोहल्ले क्रिकेट में कभी कभी कहते थे भाई टाइम पर पहुंच जाए वरना आउट हो जाएगा, तो हम आपस में मजाक करते थे कि एक मिनट। अब यहां पर नियमों में कंफ्यूजन था, एमसीसी के तहत 3 मिनट थे बट प्लेइंग कंडीशन टूर्नामेंट की कहती थी 2 मिनट और 2 मिनट में अंदर पहुंचने का नहीं होता है, होता है कि आप गार्ड लेकर बॉलर को फेस करने के लिए रेडी हो। अब मैथ्यूज जैसे गए गार्ड वगैरह लेने लगे तो उनके हेलमेट का एक स्ट्रैप जो था एक साइड से एक तो रहता है आप लॉक होता है, दूसरा उनका स्ट्रैप ही टूट गया, तो जब स्ट्रैप टूटता तो गार्ड लेते एकदम जब ले रहे होते हैं स्ट्रैप टूटा वो ड्रेसिंग रूम की तरफ से फिर अपना जो है जो सब्स्टिट्यूट फील्डर होता है दूसरा हेलमेट लेकर आता है उसमें भी वक्त लगता है वो चूज करके पहन रहे होते हैं सब कुछ, इतने में हो जाते हैं 3 मिनट पार। तो शाकिब और उनकी टीम जो है अंपायर से अपील करती है और अंपायर बोल देते हैं भाई नियम के तहत तो आप आउट हो गए हो, और फिर एंजेलो मैथ्यूज बड़ी लंबी देर तक शाकिब को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई मैं तो आ गया था मेरे हेलमेट का वो टूट गया इसलिए मैंने हेलमेट मंगवाया है, अंपायरों से बात करते हैं। उसके बाद बाहर में देखा कुशल मेंडिस भी उनके कोच जो श्रीलंका के हैं सॉरी बांग्लादेश के श्रीलंका ही उनके कोच है उनसे बात करते हैं फोर्थ अंपायर से, पर उतनी देर में जो है कि चिड़िया खेत चुक गई थी। शाकिब अल हसन की घटिया सोच है तुच्छी हरकत है, आप मुझे बताइए एमसीजी में अगर मैच हो रहा हो एमसीजी में आप अगर नीचे से टनल से निकल के आके वहां पे 120 सेकंड में पहला बॉल खेल लेते हो नहीं खेलते, ये कहने की बातें हैं सो दैट अंपायर के पास एक वो रहता है कि जानबूझकर टाइम एंड सेकेंडली ये टेस्ट मैच होता ना टेस्ट मैच है आप टाइम वेस्ट कर रहे हो जानबूझकर नहीं खेल रहे हो मैच खत्म होने वाला है विकेट है तो आपने अपील कर ली तो चलो टू एन एक्सटेंड, एक घटिया टुच्ची सोच। और शाकिब अल हसन ने इस वर्ल्ड कप से पहले पहले तो बांग्लादेश की लंका लगवाई मतलब टीम में जो भी हुआ झगड़ा कभी वो खुद चले जाते थे, मैंने अपने मतलब जो जितनी क्रिकेट देखी है सुनी है बहुत मतलब गेम्समैनशिप देखी है अंडर आर्म बॉलिंग भी देखी है आपने बाउंसर्स भी देखे हैं आपने मार्केटिंग भी देखी है जो रन आउट हो गई है ये गली मोहल्ले में नहीं कोई करता ये तो वर्ल्ड कप खेल रही है ये टीम ये वर्ल्ड कप खेल रहा है बांग्लादेश है शाकिब अल हसन दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से वही शाकिब है जो कभी स्टंप लगा देते हैं प्लेयर आया ना हो आप ये कहीं कि प्लेयर अंदर ही नहीं पहुंच पाया तो चलो मैं कहता हूं 2% अरे भाई वो बंदा अंदर आ गया वो मैदान में आ गया उसकी हेलमेट का स्ट्रैप टूट गया तो वो क्या करेगा वो सर ऐसे ही मौकों पर भी हम काफी बार कहते हैं मुझे याद है एक टेस्ट मैच था दिनेश कार्तिक वो एक दो बार उलटबाजियां खा गए तो हो सकता है 20-30 सेकंड उसमें हो गए एक आपको टेस्ट मैच जोहान्सबर्ग का याद होगा 2006 इंडिया और क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने वो फील्ड से बाहर चले गए लास्ट में साउथ अफ्रीका जब आउट हुआ फील्ड से बाहर थे तो जब वो उनका नंबर 4 बैटिंग आनी थी इंडिया का दूसरा गिरा तो अंपायर ने बताया जी अभी आपके उतने मिनट ही नहीं हुए कि आप बैटिंग करने आ सके। डीवीएस लक्ष्मण की कहानी है वो शावर रूम में थे वो शावर ले रहे थे तो सौरव गांगुली को फटाफट पैड कोई एक पैड डलवा रहा है दूसरा सौरव अंदर आए क्या ग्राम स्मिथ ने उस वक्त टाइम आउट अपील की थी नहीं तो फिर जब इंटेंशनली ये तो गलत है यार ने आज ना शर्मसार किया क्रिकेट को एंड आई एम श्योर उन्होंने शर्मसार किया बांग्लादेश क्रिकेट को। इससे पहले आप उनके अगर मतलब मैं कहता हूं इससे ज्यादा विवाद तो किसी और प्लेयर का है नहीं कभी वो स्टंप्स को लात मार देते हैं कभी वो अंपायर को पुश कर देते हैं ये क्या क्रिकेटर है यार ये गली मोहल्ले की सोच लेके शाकिब अल हसन वर्ल्ड कप में कप्तानी कर रहे हैं
बिल्कुल, बट मैं वही कह रहा सर, नियम ऑब्वियसली है, बट ऐसे नहीं जो हम कहते हैं कि जो अंपायर है वहां पर, अंपायर्स को ऐसा तो होना चाहिए कि वो भी अपने कॉमन सेंस, मशीनें सब कुछ अगर होना है, अंपायर नहीं देख रहा कि प्लेयर तो आ गया है, और क्या हुआ है वहां पर, नियम जरूर है, बट यहां पर दीपक भाई बात यही होती है कि आप एक कॉमन सेंस का भी तो इस्तेमाल करते हो कि किस सर्कमस्टेंसेस में वो सब चीज हुई है। बांग्लादेश की पूरी टीम शाकिब अल हसन अपील कर रहे थे, अंपायर्स को कैसे कहते हो आकर यार गार्ड ले रहा था सब कुछ था उसका, अब ऐसे तो हेलमेट प्रोटोकॉल ये कहता है ना कि भाई अगर आपके हेलमेट में कोई दिक्कत है तो आप तब तक खेलोगे नहीं अगली गेम जब तक हेलमेट आपका रिप्लेस ना हो जाए पूरी तरीके से सही ना हो जाए, तो उसमें कैसे देखते हैं अंपायर्स का रोल। मैं एक बात कहता हूं कि भाई आज शाकिब अल हसन ने जो चीज की, जैसा सर ने अभी कहा कि इनसे ज्यादा विवादित क्रिकेटर नहीं होगा भाई, इनकी कभी अंपायर से बहस, कभी विकेट उठाकर फेंक दे, और कोई भी इनके आप कांड देख लो किसी बड़ी टीम के खिलाफ नहीं आते, या आएंगे अपने घर में ढाका प्रीमियर लीग में या फिर श्रीलंका के खिलाफ या किसी और टीम के खिलाफ, क्योंकि बड़े मंच पर बड़े लोगों के सामने ये बोल पाते नहीं है। दूसरी चीज है कि ऑस्ट्रेलिया होता है यहाँ पर, इंडिया होता है या फिर कोई और दूसरी, इंग्लैंड होता करते ही है क्यों। दूसरी चीज आप अगर रूल्स रेगुलेशन, यार यहाँ पर कोई उस तरीके से थोड़ी है कि आप किताब लेकर क्रिकेट खेलने जा रहे हो कि मेरे जेब में एक बुक रखी हुई है मैं हर 10 मिनट बाद उसमें एक रूल देखूंगा कि कहीं मैं रूल का उल्लंघन तो नहीं कर रहा हूं किसी का। यार आप किसी गेंदबाज को देखते हो, कई बार देखा है ना कि गेंदबाज यार प्रॉब्लम में रहता है तो थोड़ा कभी स्पाइक्स वगैरह बदलवा दिए ये कर दिया, तो वहां पर बल्लेबाज भी तो सवाल कर सकता है कि मेरे लिए भी तो टाइम देरी हो रही है, मैं हूं यहां पर क्यों गेंदबाज टाइम ले रहा है। दूसरा फील्ड का आप जानते हो कि आज के टाइम में होता है कि फील्ड में थोड़ा सा समय आपने ज्यादा लिया, ओवर तय समय पर पूरे नहीं किए तो भी रूल्स होते हैं भाई। लेकिन आज बांग्लादेश, आई एम सॉरी, बांग्लादेश को हारना चाहिए, मैं कहता हूं लंका डिजर्व करता है, लंका ने 279 रन बोर्ड पे लगाए, लंका डिजर्व टू विन बिकॉज अल्टीमेटली क्रिकेट हैज टू विन। अच्छा कल का मैच याद कीजिए, कल जब बॉल कर रहे थे टुवर्ड्स द एंड शमजी, तो विराट ने एक बॉल खेला शॉर्ट लेग यहां पे गया, तो इधर से कीपर भी निकले, उधर से विराट ने बॉल उठा के उसी मोशन में बॉल उठा के उसको देख लिया, अगर बॉलर अपील करता तो विराट भी आउट थे ना, हैंडल द बॉल आउट था या हैंडल द बॉल या फिर ऑब्स्ट्रक्टिंग था। लेकिन यार आप इस तरह की हरकतें नहीं करते हो, इस तरह की हरकतें आप टाइम आउट, मतलब वो प्लेयर जो आ चुका है मैदान में उसकी हेलमेट का स्ट्रैप टूटा है, वो शाकिब को जाके कह रहा है यार क्या बात कर रहे हैं मेरा ये, वो कह रहे मैं सर इनकी श्रीलंका के साथ पर्सनल खुन्नस है पिछले एक दो साल से, आप जानते हो जिनको इंतजार करते हैं कि कुछ कमी हो तो हम वहां पर आए। मैं पता नहीं यार बांग्लादेश में मैं जानता हूं कि मतलब क्रिकेट का बहुत शौक है लोगों को, क्रिकेट को बहुत प्यार करते हैं, बट यार मैंने ना वो भी देखा है उजड़ू हरकते, जब वो एमएस धोनी का वो उन्होंने वो बनाया था टस्किन के हाथ में और कटर वो मुस्तफा, ये चीजें हुई है। आपकी टीम तरक्की नहीं करेगी जब तक आप क्रिकेट को ना एक खेल के तौर पर नहीं, क्या उस लाइनअप में ये प्लेयर रोल मॉडल नहीं, आई एम सॉरी, वही कह रहा हूं मैं साकिब अल हसन का बहुत बड़ा फैन हुआ करता था, बट साकिब अल हसन इज नॉट अ गुड रोल मॉडल, दिनेश भाई इज नॉट अ गुड रोल मॉडल। ऐसा हमने चलो काफी इंस्टेंसेस अलग अलग रहे, अब तो चलो नॉन रन आउट एट द नॉन स्ट्राइकर एंड एक डिसमिसल प्रॉपर हो गया, बट आपके पूरी की पूरी लाइनअप में ठीक है आप बहुत एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो, बट कोई भी वहां पर इस काबिल एक इंसान नहीं है जो बोले यार कि शाकिब क्या कर रहे हो यार छोड़ो वो तो सिंपल से जी। अभी चलो कुछ पहले ही चलते हैं, इंडिया को भी याद दिला दो, नेपाल को भी याद दिला दो, नेपाल का आपको अच्छे से एक रील भी वायरल होती है, रन आउट का टकराता है यार नेपाल से सीखो यार, नेपाल से सीखो, रोहित शर्मा पे आता हूँ चलो थोड़ा सा, मोहम्मद शनाका का सौ के हो गया था, उन्होंने शमी ने कर दिया था बट उन्होंने बोला नहीं यार, इवन मैं कहूंगा उस दिन रिजवान ने जो थोड़ा ऐसे मारी थी उसका तो हंसी हंसी मजाक ही किया, रिजवान ने तो बहुत अच्छा किया, वो हंसी मजाक में बात खत्म कर, जो भी है मैं कहता हूँ उस वक्त रिजवान बाबर आजम इनकी तारीफ होनी चाहिए, वो जब अपील कर रहे हैं जी ऐसा नहीं है, अमेजिंग स्पोर्ट्स है, हार्दिक पांड्या न्यूजीलैंड केन विलियमसन का 50 होने वाला यार, मतलब यार छक्का मार देते हैं, क्रिकेट में रूल्स चल रहा होता है, मैं पता है सबको पता है क्रिकेट में रूल्स चल रहा होता है, बट यार एक स्पोर्ट्समैनशिप नाम की चीज देखो व्हाट टू चीयर कर, बिल्कुल जो हम कह रहे हैं आप मेरे को फिर से समझाते हैं, नियम के तहत अगर वो था कि भाई मैथ्यूज पहुंचते नहीं क्रीज पर या मैथ्यूज जी आए ही नहीं कुछ ऐसा, वो आकर आपको दिखा उन्होंने दिखाया भी को गार्ड ले रहे थे, जैसे वो गार्ड लेते एकदम टक उनका स्ट्रैप टूट जाता है, पूरी टीम इतनी अजीब है क्या यार, मतलब कोई मैं वही कह रहा हूं लेटर रिटर्न आपकी यार रिस्पेक्ट हो ही नहीं क्रिकेट में आपको यार, दैट्स व्हाई जो हम कह रहे हैं कि आप एक मतलब चाहे आप बड़े खिलाड़ी आपकी परफॉर्मेंस भी इस बारी नहीं रही बट कहीं पर आप एग्जांपल सेट कर सकते थे, मैथ्यूज ने अंपायर से लेकर उनके खिलाड़ियों से लेकर रिक्वेस्ट करके सब कुछ देख लिया, कुशल मेंडिस बाद में आए, जो श्रीलंका के प्लेयर है 1992 का वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में, अतुल सिंह इनके ऑलराउंडर हुआ करते थे, वो अतुल सिंह को सोचना चाहिए था, चलो मैं इसमें आपको याद आएगा सर एक मैच था जिसमें शाकिब अपनी टीम को निधास का था, वो कहां का था, शाकिब अपनी टीम को वापस ले जाने वाले थे, निधास का मैच, वो तो बाद में थोड़ा अपने प्लेयरों को लड़ झगड़ के चलो वापस चलो नहीं खेल रहे, निधास का मैच अगर आप बताएं, शाकिब ने देखो शाकिब दादागिरी करते हैं, बांग्लादेश की जो क्रिकेट होती है वहां पर जो T20 लीग आपको साफ उदाहरण याद होगा, मुश्किल स्ट्राइक पर होते हैं।